हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो की शुरुआत मौली कर रही है, ये देखो, और उसे भूख लगी है। और यहाँ पर है टर्बो, तो अभी टर्बो को निकालेंगे, उसने खाना खा लिया है, क्योंकि अभी ये लोग बड़े हो गए तो एक दूसरे को भी काट रहे हैं। तो अभी टर्बो बाहर रहेगा और मौली। ये रही मौली, अभी इसे पानी में रख देते। और ये देखो टर्बो कहाँ पर भाग रहा है, सब वायर के बीच में। अभी इन लोगों को ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग, एक को पानी में रखते हैं और एक को बाहर, क्योंकि ये अभी बड़े हो गए तो एक दूसरे को काट रहे हैं। खाना खाने के टाइम पे अलग अलग रखते हैं, क्योंकि खाना खाने के टाइम पे भी ये लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, एक दूसरे को काटते हैं इसके लिए। और यहाँ पर है ये कैप्टन अमेरिका, यहाँ पे चल रहा है टॉय फोटोग्राफी के लिए, बैकग्राउंड बना रहे हैं हम लोग। और ये हमारा टर्बो, तो ये बाद में बनाऊंगी, अभी फटाफट से खाना खा लेंगे, क्योंकि खाना रेडी हो चुका है। सिंपल है, दाल चावल पापड़ और अचार। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद खाना खा के। तो ये देखो सब सामान यहाँ पर ला के रखा है, लेकिन खाना खाने के बाद करूँगी ये सब। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले मौली ने आपको मतलब वीडियो स्टार्ट कर दिया था, तो अभी मैं फिर से बोल रही हूँ। तो अभी दोपहर के 2:15 है और आज डेट है 22 सितंबर। तो गुड आफ्टरनून, और कैसे हो आप लोग, एकदम बढ़िया। तो अभी यहाँ पर मैं कल का जो हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया था प्लांट, उसका अपडेट दिखाती हूँ, मतलब वो कैसा है वो दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये जो हमने एक्चुअली इसको अजवाइन नहीं बोलते, लेकिन आप मतलब सब लोग इसको अजवाइन बोलते हैं, इसके लिए मैं भी अजवाइन ही बोल रही हूँ, इसका नाम मुझे नहीं पता। तो ये अच्छी तरह से है, मतलब ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो ये इसी तरह से लग जाता है कटिंग से। और ये जो छोटी कटिंग थी, मैंने बोला था मैं इसको पानी में रखूँगी, लेकिन ये जो कंटेनर है इसमें मैंने मिट्टी भर के रख दी थी, तो नीचे से मैंने कुछ होल्स कर लिए, ये देखो इस तरह से। उसके बाद सेम उसी तरह से इसको भी मैंने जस्ट इस तरह से गाड़ दिया, तो ये भी चलने लगेंगी। तो ये देखो, एक छोटा गमला रेडी हो गया और ये एक बड़ा वाला। और यहाँ पर है स्नेक प्लांट, इसको पानी देना है, इसके लिए यहाँ पर लाके रखा है। वैसे तो आज 2-4 प्लांट्स को छोड़ के मुझे पानी देना है सबको, क्योंकि ये तुलसी का प्लांट सूख गया है, थोड़ी देर में दूंगी, इसको ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरह से चेक करती हूँ उंगली से, मतलब मिट्टी गीली है या सूखी है, इस तरह से थोड़ी सी इस तरह से। तो ये भी सूखी है, हल्की फुल्की गीली है, तो इसको नहीं दूंगी पानी, इसको देना है। इस तरह से चेक करके ही देती हूँ, तो देखते किस किस को पानी देना है। उसके बाद कुछ नहीं, वो सब मतलब जो कर रहे, मतलब टॉय फोटोग्राफी के लिए जो ये कर रहे बैकग्राउंड बना रहे, वो बनाऊंगी, लेकिन खाना खाने के बाद सबसे पहले इनको पानी दे दूंगी, उसके बाद वो काम करूंगी। और जो मेरा दुर्वा है वो भी चलने लगा है, ये देखो यहाँ से, मतलब उसमें ये देखो यहाँ पर है, इसमें है, और वो वहाँ पर एक बैम्बू प्लांट है, वो पानी देने के टाइम पे आपको दिखाऊंगी। ये देखो यहाँ पर भी है, ये नई पत्ती है इसमें, कभी लगाया था मैंने, गणेश चतुर्थी के दिन लगाया था, तो अभी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, कुछ ही बचा है, मतलब बहुत सारा लगाया था, लेकिन यहाँ पे दो है, यहाँ पर एक और वहाँ पर दो ही है वहाँ पर,
वो बाद में दिखाती हूँ आपको, अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है वो भी। तो पानी देने के टाइम पे मैं आपको ठीक से मतलब थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगी, ये देखो वो वाला दिखाऊंगी, वो तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो अंदर के साइड में है, वो इधर अंदर की साइड में, इसके लिए वो बच गया है। ये यहाँ पर भी मैंने चार पांच लगाए थे लेकिन एक ही है यहाँ पर, और यहाँ पर दो बचे, यहाँ पर भी चार पांच लगाए थे लेकिन यहाँ पर भी अभी दो ही बचे हैं। तो उसकी जो अंदर वो बैम्बू प्लांट्स के अंदर जो लगा है उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो बाद में दिखाऊंगी जब पानी दूंगी तब। तो अभी खाना खा के हो चुका है, अभी इनको देते हैं पानी। यहाँ पर है टमाटर का पौधा, एकदम साइड में रखा है, और ये देखो इतना छोटे से मतलब पिगी बैंक में लगा है लेकिन इसकी ग्रोथ देखो कितनी, ये देखो इतनी लंबी लंबी हो चुकी है इसकी जो बेल है, और ये देखो अभी इसी तरह से मैं सबको थोड़ा थोड़ा करके पानी दूंगी, मतलब जिसको जरूरत है उनको ही, जो गीला है उनको तो नहीं दूंगी। और यहाँ पर ये एक अच्छा हो जाता है क्योंकि सिंक साइड में ये, तो पानी यहाँ से लेके इजी हो जाता है देने के लिए, नहीं तो पहले तो इतना मुझे बकेट भर भर के पानी लाना पड़ता था अंदर से। तो यहाँ पर सदाबहार का है उसको, और हाँ ये मैंने आपको बोला था दिखाऊंगी करके तो वो दिखाती हूँ। ये देखो ये वो दूरवा है जो मतलब अंदर, ये इस तरह से था अंदर की साइड था तो इसके लिए बच गया वो, नहीं तो वो भी चिड़िया उखाड़ के लेके जाती। अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, बहुत छोटा लगाया था मैंने तो अभी ये ग्रो हो रहा है, कुछ 10 ही दिन हुए होंगे तो अच्छी तरह से भी ग्रो हो रहा है। ये देखो ये जो ऊपर के दो दो पत्ती है वो नई आई, इसमें नई ग्रोथ है ये। इसको स्लाइडिंग को इस तरफ, जीजी प्लांट में सबसे पहले अंदर रख देती हूँ क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। तो ये जो कटिंग लगाई थी कल मैंने पानी नहीं दिया था क्योंकि मिट्टी गीली थी, तो अभी मैं पानी दूंगी। अच्छी तरह से ये देखो नीचे से पानी भी निकल गया है, इस तरह से पानी मतलब ड्रेनेज होना चाहिए इसका।
जैसे पानी डाला वैसे निकल गया। अभी बाकी किसी को तो जरूरत नहीं है पानी की। अभी इसको स्नेक प्लांट को देते हैं। जब से लाए इसको भी ये तीसरी बार पानी दे रही हूँ क्योंकि इसको पानी की जरूरत बहुत कम होती है। ज्यादा पानी देने से ये खराब हो जाता है। और इसका पानी भी देखो जैसे ही डाल रही वैसे ही निकल रहा है। इस तरह से होना चाहिए इसका भी ड्रेनेज। तो आज के दिन में इसको बाहर ही रखूंगी, कल अंदर लूंगी। 24 घंटा बाहर रहेगा ये ताकि इसे भी खुली हवा मिले, थोड़ी ताजी हवा मिले। तो पानी देने का कार्यक्रम हो चुका है, अभी ड्राइंग करते हैं। कैप्टन अमेरिका देख रहा है काम बराबर हो रहा है कि नहीं।
वहाँ पे मैंने जो फिश टैंक वाला जो स्पंज होता है, फिश टैंक के जो मतलब फिल्टर के अंदर जो स्पंज होता है, उससे एक छोटा सा टुकड़ा था मतलब जो यूज नहीं होने वाला था वो लिया है। तो बस इससे कुछ नहीं, मैं जैसे स्टैम्प लगाते उसी तरह से कलर में डिप करके यहाँ पे लगा रही हूँ, ताकि वो जो अच्छा सा वॉल का लुक टेक्सचर आ जाए। मतलब क्या बोलते हैं उसको, ईंट की दीवार। हाँ, ईंट की दीवार जैसा थोड़ा सा, मतलब जैसे हमें चाहिए था वैसे बन रहा है, मस्त लग रहा है एकदम। आप पूछिए, खाली इमेजिन करो ये पूरा होगा तो कितना अच्छा लगेगा। ये दो लाइन भी मस्त लग रहे हैं एकदम, ये पूरा ऐसे मतलब इसको हम लोग डिजाइन करेंगे, बनाएंगे पूरा, मस्त लगेगा एकदम। तो यहाँ पे मैंने तीन शेड बना के रखे हैं, जैसे मतलब ईंट के अंदर ईंट का जो शेड होते हैं वो उस तरह से मतलब एकदम क्या बोलते हैं, रेड कलर ही नहीं होता, थोड़ा बहुत अलग शेड में थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं ना, हर एक ईंट का कलर सेम नहीं होता, तो कोई डार्क होती है थोड़ी, तो कोई टूटी हुई, कोई काली ऐसी थोड़ी, तो उस हिसाब से कलर बना के रखे इधर, और वैसे बीच बीच में थोड़ा सा वो अलग अलग टेक्स्चर आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो अच्छा, एक बैकग्राउंड हमारे पास तैयार होगा टॉय फोटोग्राफी के लिए। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि छोटा छोटा काम है इसमें। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इसका जो क्या बोलते हैं फाइनल जो लुक होगा, मतलब जो कैसे दिखने के मतलब पूरा होने के बाद कैसा दिखता है वो हम कल दिखाएंगे, मतलब जब कंप्लीट होगा तब दिखाएंगे। तो आज का ये छोटा सा वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये छोटा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, और साइड में बेल आइकॉन होता है उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर। और ये आइडिया कैसी लगी आपको ये भी कमेंट में मेंशन करना, मेरा आइडिया ही है। हाँ वही इसका आइडिया मेरा, मैं कुछ और बनाने वाली थी, मतलब मुझे थोड़ा तबीयत खराब था तो मैं बोला चलो कुछ ड्राइंग कर लेते ताकि थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए, लेकिन इन्होंने बोला तू वो करने से अच्छा मुझे एक बैकग्राउंड बना के दे दे, तेरा भी काम हो जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा। तो ठीक है, अभी तो मैं इस जो ये पूरा मतलब रेडी होगा, ये पूरा हमारा जो भी दीवार है ईंटों की, तो ये मैं यूज़ करूँगा ऐसे टॉयज रहते हैं वो टॉय फोटोग्राफी के लिए, इस टॉय के पीछे इसको खड़ी करके हम लोग फोटोशूट करेंगे, तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा ही होगा इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं जो टॉय फोटोग्राफी कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें वो घर पे खुद बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं फोटोग्राफी के साथ, लेकिन खुद बनाने में मजा आता है, वो जो खुद बनाने में हाँ बराबर उसमें मजा नहीं आता। हम लोग तो सब घर में ही बनाते हैं, उन्होंने तो उस बॉक्स में पूरा एक सेटअप भी बनाया था, तो छोटा स्टूडियो। आप कमेंट करके बोलो इनको कि मतलब क्या क्या बनाया इन्होंने, इनके पास क्या क्या सब दिखा, इनके पास सीडी का कलेक्शन, इनके पास टॉयज भी, मतलब अभी हम लोग कलेक्शन फिगर है, हाँ, फिगर है, अभी थोड़ा थोड़ा करके वो ला रहे हैं एक 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 करके, थोड़ा ये वाला थोड़ा कॉस्टली रहता है थोड़ा सा, इसलिए देखो देखने में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। जब तक आप लोग कमेंट करके बोलोगे नहीं तब तक ये दिखाएंगे नहीं, तो आप लोग कमेंट करो तब दिखाएंगे। तो थोड़ा मेरा कलेक्शन चालू अभी इनका, अभी फिलहाल मेरे पास कैप्टन अमेरिका है, वहाँ पे हल्क है, और यहाँ पे आयरन मैन है, मतलब बहुत कुछ अच्छा है। तो आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस दिखेंगे, क्रिएटिव वीडियोस मिलेंगे, और इनका जो कलेक्शन है वो भी दिखाएंगे, बहुत कुछ कुछ है। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी क्लिक कर देना, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए। तो चलो हम लोग इसको करते हैं कंप्लीट।